हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। अगर आप आपकी वेट लॉस जर्नी में बोरिंग खाना खा कर थक गए हैं तो आप ट्राई करें ये हमारा वेट लॉस रेसिपी, जो कि है स्पेशली बनाई मैंने डिनर के लिए। तो इसको मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर बहुत ही यमी, क्रंची और बहुत पेट भरने वाला बनाया है, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी है और बनाने में है बहुत आसान। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाएं। वेट लॉस सीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली हुई है मूंग की दाल छिलकों वाली, जिसको कि मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगा दिया था और ये इसका पानी निकाल दिया है और ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2-3 मिर्चें और थोड़ी अदरक। तो इनको मिला के हम पीसेंगे, मिक्सी में डाल के इसको हम पीसेंगे। ये अदरक मिर्चा भी इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे ये अच्छी तरह से पिस जाए और एक फाइन पेस्ट बन जाए। तो ये देखें, दाल पिस गई हमारी और ये ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा ये थिक है और फाइन भी है। अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये दाल में ये मिलाएंगे अपनी वेजिटेबल्स, जिसमें है ये ग्रेटेड गाजर जिसको मैंने कस लिया है, तो ये मिला देंगे। और इसके साथ साथ ये हैं इसमें बीन्स, थोड़ी बीन्स में डालूंगी इसमें। और ये हमारा रेड पेपर, इसको डाल दिया। और ये है थोड़े से बेबी कॉर्न्स, इसको मिला दिया। और ये है हमारा येलो पेपर और ये है पत्ता गोभी। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो चलें अब हम इसको पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हाई हीट पे पैन को गरम कर लिया है, नॉन स्टिक लें तो बेटर है। और इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे। घी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी अच्छा होता है, खाने के लिए सेहतमंद होता है। आप भी घी लगा सकते हैं, नहीं अगर आप चाहें तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बैटर डाल के इसको स्प्रेड कर दूँगी। जितना भी बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से बैटर डाल लें और उसको इवनली स्प्रेड कर दें। और इसको धीमी आंच पे सेकना पड़ेगा हमको ढाक के, कम से कम ये 3 से 4 मिनट लेगा इसको, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से सेकना है, क्रिस्पी बनाना है। तो इसको हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल बंद करके छोड़ देंगे, ये अच्छी तरह सेक जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं कवर खोलती हूँ और मैं इसको पलटती हूँ। पलटने में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, हमने बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं, तो संभाल के पलटिए। और ये देखिए मैंने पलट दिया है और कितने कम घी में और बहुत सारी वेजिटेबल के साथ ये हमारा बहुत ही अच्छे टेस्ट वाला चीला रेडी होने वाला है। और दूसरी साइड भी हम सेकेंगे इसको ऐसे 3 से 4 मिनट तक दबा दबा कर, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाए और इसमें बिल्कुल भी कच्ची दाल ना रहे। क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से नहीं पका तो इसमें दाल कच्ची रहेगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दबा दबा के इसको हम धीमी आंच पे ही सेक लेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक ऐसे ही सेकते रहें। तो आपने देखा इसमें हमने कितना कम ऑयल या घी यूज़ किया, जो कि ना के बराबर था। और घी हमको खाना चाहिए क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है वज़न कम करने में। तो इस तरह से मैं इसको दबा दबा के सेक लेती हूँ और अब ये हमारा रेडी है। चीज़ का ध्यान रखें, जब भी खाएं आप इसको गर्म खाएं, ठंडा ना खाएं, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा सॉगी हो जाए। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है ये। और इसी तरह से मैं एक और बना लेती हूँ चीला, बिल्कुल सेम प्रोसेस करके। बस इसका मेन है सेकना, पहली बार में आप इसको ढाँक दें और दोबारा में ना ढाँकें और क्रिस्पी होने तक इसको सेकें। तो इस तरह से मेरा दूसरा चीला भी तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समत किचन को और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे मैंने चीले को सर्व किया है चटनी और सॉस के साथ। पर अगर आप वेट लॉस के लिए चीला बना रहे हैं तो आप सॉस को ना खाएं बिल्कुल भी, सॉस नहीं अच्छा होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो पर होममेड चटनी ज़रूर खा सकते हैं, जो कि फ्रेशली आपने बनाई है घर में, वो अच्छी होती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें समत किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।